अम्मा जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आप यही कहेंगे कि बस बच्चों खाओ, खुश अच्छा खाना खाओ और स्वस्थ रहो। मैं 20-25 साल से मैं यही काम करती हूँ, घर पे मैं अकेली हूँ। मेरा एक बेटा था वो तो गुजर गया, 4 बेटी है वो अपने अपने घर है। सुबह मैं 8 बजे घर से निकलती हूँ, सब्जी वगैरह लेती हूँ, सामान लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। खाना बना के अब इधर बैठी हूँ, अब सबको देने वेने का काम है, थाली लगाने का। उसके बाद ये लड़का सब कुछ देखता है। अरे बाप रे, इतनी मेहनत अकेले कर लेते हैं आप इस उम्र में? क्या करना पड़ेगा, कोई है ही नहीं कमाने वाला। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत हमारे बेहद खास व्लॉग में। आज हम आ चुके हैं अम्मा जी का ढाबा वीना जी के पास, लाजपत नगर। बहुत ही मेहनती अम्मा जी की उम्र 67 साल है और ये 50 साल पुराने अपने हस्बैंड के काम को आगे बढ़ा रही हैं। अम्मा जी ने हमें बताया कि इनकी 4 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। अम्मा जी का एक जवान बेटा भी था जो कि इस दुनिया से जा चुका है। उस टाइम तो अम्मा जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन अम्मा जी हैं कि इन्होंने जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी और फिर से इन्होंने ज़िंदगी को एक नई दिशा दी और मन में ठान लिया था कि भाई लोगों को खाना हंसते हंसते खिलाना है, बहुत ही सस्ता खाना और घर जैसा खाना। चलिए फिर मिलते हैं हम सभी के लिए मिसाल अम्मा जी से और जानते हैं इनके स्ट्रगल की कहानी इन्हीं की जबानी। आंटी जी, नाम क्या है आपका? वीना रानी। वीना रानी जी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 3 कम 70। 3 कम 70। कब से चला रहे हैं ये ढाबा? ये मैं हो गया, पहले तो इसके पापा करते थे, लेमन वगैरह लगाते थे। अच्छा। उनको 50 साल हो गए। अच्छा। वो तो गुजर गया, तब से मैं 20-25 साल से मैं यही काम करती हूँ। 20-25 साल से आप यही काम कर रहे हैं? तो अंकल जी के बाद बिल्कुल आप ही हैं अकेले जो संभालते हैं, और कौन है घर परिवार में? घर पे मैं अकेली हूँ, मेरा एक बेटा था वो तो गुजर गया, 4 बेटी है वो अपने अपने घर है। ये मेरे पर लड़का रहता है, इसका परिवार है। अच्छा। आप ये कौन बनाता है सारा खाना? मैं ही बनाती हूँ। खुद ही बनाते हैं सारा खाना? हाँ। क्या है आपका रूटीन, क्या है, कब कब आप आते हैं यहाँ पे? सुबह मैं 8 बजे घर से निकलती हूँ, सब्जी वगैरह लेती हूँ, सामान लेती हूँ, यहाँ आती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ जब तक ये खोलता है, फिर मैं खाना बनाती हूँ। खाना बना के अब इधर बैठी हूँ, अब सबको देने वेने का काम है, थाली लगाने का। उसके बाद ये लड़का सब कुछ देखता है। अरे बाप रे, इतनी मेहनत अकेले कर लेते हैं आप इस उम्र में? क्या करना पड़ेगा, कोई है ही नहीं कमाने वाला, तो खुद ही करना है, क्या करना। कहाँ रहते हैं आप? हम मदनगिर रहते हैं। मदनगिर में ये सब्जियाँ कहाँ से खरीद कर लाते हैं? ये हम मार्केट में से लेते हैं। मार्केट में ही से लेते हैं। आज क्या मिलेगा खाने में? आज आपको दाल, कढ़ी है, अरबी की सब्जी है, करेले है। तो रोजाना ये मेनू बदलता रहता है? ये जैसे घर पे खाना बनता है, कभी राजमा दाल चावल बना लिए, कभी कढ़ी बना ली, कभी छोले बना लिए, एक सब्जी सूखी, एक दाल वगैरह, 3 बनाते हैं लोग रोजाना, संडे हो या मंडे, कोई भी चलता है। हाँ, रोज। अम्मा जी का ढाबा। बेटा मेरे को ना तबीयत खराब हो गई थी, मैं सोमवार की छुट्टी करती थी। अच्छा। मेरा 26 साल का आपका जैसे लड़का गुजर गया, तब से डॉक्टरों ने कहा अपने आप को बिजी रखो, बिजी रखो, फिर घर बैठ के क्या करें, यहीं आते हैं रोज आते हैं। लड़का कब गुजरा आपका? अब मेरे 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। और अंकल जी? अंकल जी को उससे 2 साल पहले। 2 साल पहले, 14 साल हो गए। आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आंटी जी। देखिए, आप हम सब के लिए एक मिसाल हैं। ये सब होने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आप इस काम में अपने आप को बिजी रख रहे हैं और आपका टाइम भी पास हो रहा है। आप लोगों से टाइम पास हो जाता है, घर बैठ के क्या करूं? अगर आप लोग नहीं आओगे खाना खाने तो मैं किस लिए बनाऊं? टाइम ठीक लोग आ रहे हैं खाने के लिए, जो आते हैं हमारे अपने ही ग्राहक हैं, जो मतलब की मार्केट के कोई है अपना खाते हैं, जैसे भी बना दो वो मेरे बच्चे खुश रहते हैं, कोई वो नहीं खिला चुका नहीं। जैसे घर पे खाना बनता है मैं वैसे बनाती हूँ, ये नहीं है कि बहुत कलर होना चाहिए, घी ज्यादा होना चाहिए, ये कुछ सिंपल एंड टेस्टी खाना। बहुत खूब। एक बार दिखाएंगे आंटी जी खाना? तो भाई, जब हम आपको आंटी जी के खाना दिखाएंगे, ये दाल देखिए आप, बहुत ही सिंपल दाल है दिखने में। ये चावल है। और ये हैं जी चावल, बहुत अच्छे। और ये कड़ी है। ये है जी पकौड़े वाली कड़ी, इतनी गाढ़ी कड़ी, गर्मा गर्म है, अभी अभी तैयार किया आंटी ने। इसके अलावा क्या है आंटी जी? ये अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी? अरे वाह, बहुत हो। ये है हरी चटनी, टमाटर, लहसुन। अच्छा। हरी मिर्ची। जी जी। और ये करेले, जैसे कोई सूखी सब्जी मांगता है। जी, तो ये है जी करेले। वाह भाई वाह, लाजवाब।
तो आंटी जी खुद ही बनाते हैं सारा खाना? कितने बजे आप बता रहे थे तैयारी करने लग जाते हैं? मैं सुबह 8 बजे आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, सामान वाल लेते हैं, 8:30 बज जाते हैं, एक थ्री व्हीलर वाला वो हमें छोड़ जाता है, और यहाँ फिर ये 9 बजे तक खोल के रखते हैं, 9 बजे से 12 बजे। ये आपकी मदद कराते हैं इस काम में? ये मेरे बेटे से भी जाते हैं। अरे वाह, बहुत। तो आप कब से हैं आंटी जी के साथ, अम्मा जी के साथ कब से हैं आप? 6 साल हो गए। 6 साल से। आंटी क्या है प्राइस, क्या है खाने का, एक बार बता दीजिए। खाने का प्राइस बहुत सस्ता है, 30 रुपए प्लेट है। 30 रुपए प्लेट। 4 रोटी ले लो या 2 पराठे ले लो या चावल ले लो। अच्छा, अगर आप चावल और रोटी दोनों लेते हो, हाफ प्लेट चावल और 4 रोटी, 50 रुपए। भाई इससे सस्ता खाना और कहाँ मिलेगा, घर जैसा सिंपल सा खाना है, हाइजीनिक खाना, 30 और 50 की रेंज है, बहुत हो। तो मैं लोकेशन आपको समझा देता हूँ, ये बिल्कुल आपके सामने देख सकते हैं, सेंट्रल मार्केट है लाजपत नगर की, उसी के साइड में ये ढाबा चल रहा है आंटी जी का। खाते हुए मैं 15 साल से खाना खा रहा हूँ। कैसा खाना है? खाना भाई बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है खाना खाने में। अम्मा जी का सबसे अच्छा क्या, मतलब क्या सब्जी, कौन सी सब्जी अच्छी लगती है इसमें? इसका चटनी बहुत फेवरेट है। अच्छा। उसका ये दाल बहुत बहुत टेस्टी बनाते हैं। अंडे पराठे हैं क्या? खाना हमें खाते यहाँ पर 20 साल हो गई माता के पास। अच्छा। और काफ़ी समय से, और सस्ता भोजन है, बहुत बढ़िया भोजन है, घर जैसा भोजन। हाँ, घर जैसा भोजन है। रोटी बन रही है, बस दे रही हूँ। तो चावल ही डाल दोनों, कोई बात नहीं। कोई नहीं, तू रोटी खा फिर चावल ले ले। मैं तो 10 साल से खा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। खाना बहुत टेस्टी है, फैंटास्टिक। पराठे और पूरी बनाते हैं। अच्छा, पूरी बनाए नहीं है, मतलब नाश्ता बनाते हैं ना अपने। जी जी जी, तो ये पूरी और पराठे ही रहते हैं। अरे भाई बहुत हो। अच्छा है, कम से कम 4-5 साल से खाते हैं। अच्छा, भाई भाई यहाँ ऐसा है, पैसे होते तो भी दे जाते, नहीं है तो भी दे भी जाते। अच्छा, दे भी जाते। लड़का खाना खाने आता है, ऐसे दो तीन खड़े हैं, खड़े बैठ जाओ खाना खा लो, तो ये कह रहे हैं बैठकर मुंह बंद कर दो, ₹16 आपके यहाँ खाना तो खाते ही हैं, लेकिन बहुत प्यार भी करते हैं आपको ये। और लड़ते भी हैं। आप ऐसे ही जब तक आपका मन करे काम करते रहिए, और लोगों को ऐसे ही प्यार करते रहिए और प्यार लेते रहिए, खाना खिलाते रहिए, हम लोग को खाना खिलाते रहिए घर में। तो भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ, अगर मैं मरूं भी ना तो मैं किसी के कंधे पे नहीं, किसी की मिट्टी पे जाऊं, बस वहीं पे इंसान मेरे को नहीं सेवा करानी, किसी के आगे ऐसे ना करूं, ऐसे जरूर कर, यही तमन्ना। परमात्मा से सुबह हाथ जोड़ती हूँ ना मैं, पता क्या मांगती हूँ, हे भगवान मुझे उतना ही दियो जितना मुझे जरूरत है, और ना मैं भूखी रहूँ ना मेरा साथ खाली जाए, इसका भी पेट भरना मेरा भी, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। आप खा के देखो आप कैसे लगता है आपको। अब अम्मा जी हमारे लिए थाली लगा रही है, पर हम ऐसा खाना बनाते हैं जो अपना थोड़ा बनाते हैं, देख लो खुद ही छोटे छोटे बर्तन है, और ये शाम तक ही मुझे चलाना है, यानी कि मैं अभी खत्म कर दूंगी, उतना ही दूंगी जितना खाए, यानी कि प्लेटों में उठा के फेंके या इतना दे देना है, घी ज्यादा डालना है और शोर नहीं चाहिए ऊपर, बिल्कुल नहीं, वही आप खा के देख लोगे, ना मिर्च नमक
और घी वगैरह कुछ भी ज्यादा हो। ये है दाल, चने की दाल है, मिक्स दाल, चने और उड़द की दाल है। ये करेले की सब्जी। ये बाइट और लूंगा मैं दाल की। इसकी बहुत सारी सुनी है मैंने, ये जो चटनी है टमाटर की, हरी मिर्च की, इसको इसमें डिप करके खाइए। कोई वजह है, यहाँ पे जो लोग इतने खिंचे चले आते हैं, कुछ तो बात है मजे के खाने में। तो मुझे बिल्कुल ये एहसास हुआ है यहाँ पर खाना खाकर कि मैं जैसे मैंने घर में खाना खाया है कि बाहर नहीं खाया। तो आप भी आइए लाजपत नगर, अगर आप आते हैं अम्मा जी के पास एक बार ज़रूर आइए, आपका पेट भी भरेगा, आपका दिल भी भरेगा और आपका मन भी भरेगा अम्मा जी की बातों से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अम्मा जी की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलेंगे किसी ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।